आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या इनरोल्ड एजेंट एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या बहुत ज्यादा आसान है तो देखिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इनरोल्ड एजेंट कोई सर्टिफिकेशन नहीं है ये एक लाइसेंस है लाइसेंस है अमेरिका के टैक्स प्रैक्टिस नरक तो जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं देखा जाए तो सब्जेक्ट केवल एक सब्जेक्ट है जिसकी तीन एग्जाम है तो तीन एग्जाम जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है जिसके कारण आपके पास टैक्स में प्रैक्टिस का लाइसेंस आता है जैसे आप देखते हैं इंडिया में चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं तो उनके पास एक पावर होता है कि वो क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने इसी तरीके से यूएस के टैक्स प्रैक्टिशनर के पास भी एक लाइसेंस है कि वो अपने क्लाइंट को वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेस प्रोवाइड कर सकते हैं लाइक रिटर्न फाइलिंग की है पेरोल से रिलेटेड सर्विसेज हैं उनका किस प्रकार से टैक्स कटता है सेल्फ टैक्स है है रिप्रेजेंटेशन तो बहुत सारी सर्विसेज इनरोल्ड एजेंट प्रोवाइड करते हैं तो एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन बिकॉज अमेरिकन कंपनीज की प्रेजेंस जो है वो अक्रॉस दर्ल्ड है आप देखिए लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ दर्ल्ड ट्वेंटी फाइव ट्रिलियन डॉलर फॉर्चून फाइव हंड्रेड में कितनी सारी कंपनीज अगर हम बात करें यूएस बेस्ड जो आज इंडिया में काम कर रही है एप्पल है अमेजोन है गूगल है फेसबुक है बिग फोर है तो कंसिस्टेंटली हायरिंग हो रही है तो जब स्टूडेंट इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं तो कंसर्न होता है कि सर हम एक बी कॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं हम हमारा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड नहीं है हमें थोड़ा सा डर लग रहा है कि हम इस एग्जाम को बहुत आसानी से पास कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट टाइम के रिस्पेक्ट में भी और मनी के रिस्पेक्ट में भी तो हम थोड़ा सा और डिटेल समझें तीन पार्ट है।, में पार्ट है तीन एक ही सब्जेक्ट के तीन पेपर तो पहला पेपर होता है आपका इंडिविजुअल का टेक्सेशन जिसमें कि आपको 1040 फॉर्म 1040 होता है कॉर्पोरेशन में सी कॉरपोरेशन एस कॉरपोरेशन एलएलसी पार्टनरशिप का असेसमेंट और रिप्रेजेंटेशन बेसिकली सर्कुलर टू थर्टी की कैसे आपको क्लाइंट को रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो करिकुलम उतना डेप्थ में नहीं है मतलब अगर आप इंडिया के सीए से कंपेयर करें या किसी अदर प्रोफेशनल कोर्सेज से कंपेयर करें लाइक like सीपीए से करें एसीसी से करें या यूएस से भी करें तो ये प्रोफेशन में जो डेप्थ है वो उतनी ज्यादा नहीं एक सब्जेक्ट की तीन पार्ट्स में एग्जाम पार्ट थ्री में सेवन यूनिट्स हैं पार्ट वन में फोर्टीन है पार्ट टू में 20 है मतलब अगर आप डेडिकेशन के साथ में स्टडी करें डेडिकेशन के साथ में तो सिक्स मंथ में आप एनरोल्ड लेजेंड बन सकते हैं लेकिन सिक्स मंथ में हर इंसान नहीं बन सकता तो एवरेज एट टू ट्वेल्व मंथ में इन जनरली सभी लोग एनरोल्ड लेजेंड बन जाते हैं तो पार्ट थ्री तो बहुत आसान है पार्ट वन पार्ट टू भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ओवरऑल ग्लोबल परसेंटेज देखा जाए सिक्सटी आप चैनल पे जाके देख सकते तो डिफिकल्ट उन लोगों के लिए पड़ेगा जो बिल्कुल इसको ऐसा सोच रहे हैं कि हम बी कॉम ग्रेजुएशन में जैसी स्टडी करते थे दो चार दिन पढ़ के बहुत आसानी से पास हो जाएंगे ऐसे नहीं कुछ स्किल आपको अक्वायर करनी होगी सबसे पहली स्किल जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं वो है गुड टैक्सेशन अंडरस्टैंडिंग अब गुड टैक्सेशन अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है मतलब आपके फंडामेंटल्स ऑफ टैक्सेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए टेक एग्जांपल डिडक्शन है कि जब आप कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाती है कौन कौन से एक्सपेंडिचर एग्जाम होते हैं कौन कौन सी इनकम एग्जाम होती है तो ऐसे टैक्सेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं कौन सी इनकम कैपिटल गेन में आना चाहिए कौन सी इनकम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आनी चाहिए कौन सी इनकम पैसिव होना चाहिए नॉन पैसिव तो योर बेस शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डीट इंग्लिश की आपको रिक्वायरमेंट होगी बहुत ज्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं है डिसेंट की आप प्रोविजन को अंडरस्टैंड कर सके और उसको अप्लाई कर सके ओवर द पीरियड मेरा एक ऑब्जर्वेशन भी है कि इस कोर्स को करने वाले बहुत सारे यूएस टैक्स प्रोफेशनल्स होते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं तो थोड़ा सा वर्किंग प्रोफेशनल रेगुलर नहीं रह पाते अपनी स्टडी में तो वो दिक्कत कहीं ना कहीं उनको मैं देख रहा हूं कि अगर वो रेगुलर नहीं है इसी कारण उनको प्रॉब्लम आ रही है कि वो रेगुलर क्लास में नहीं आ पाते हैं, या अगर एनरोलमेंट कर लिया एक दिन पढ़ा फिर टेन डेज का गैप हो गया फिर फिफ्टीन डेज का गैप हो गया फिर एक दिन एक हफ्ता पूरा पढ़ाई कर ली तो एक स्किल ये भी कि कि कितना रेगुलर आप रहते हैं मतलब अपनी स्टडी में आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी और क्योंकि एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है तो बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है कि बहुत हार्ड कैलकुलेशन आपको करने पड़ रहे हैं या बहुत ज्यादा थ्योरी याद करनी पड़े तो याद भी नहीं करना है आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो अगर आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड कर सकते हैं आप टेक्निकली चीजों को अंडरस्टैंड करके उसको अप्लाई कर सकते हैं बेस्ट पार्ट कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो मैं आपसे कहूंगा आप रेगुलर रहिए स्टडी में अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए और जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उसमें हम एमसीक्यू को रेगुलर कीजिए जैसे जैसे आपके टॉपिक्स होते जाए उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए इस बात के लिए हम आपको एक तरीके से और हेल्प ये भी करते हैं कि हम आपको समरी नोट और फ्लैश कार्ड प्रोवाइड करते हैं फ्लैश कार्ड का मतलब होता है कि जैसे आपने एक बड़ा टॉपिक पढ़ा तो उस बड़े टॉपिक्स में जो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं उसका वन लाइन आंसर क्या करते हैं प्रोवाइड कर देते हैं क्लासेस फ्लैशकार्ड एमसीक्यू में सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी पूरी परफॉर्मेंस तो एक डेडिकेशन के साथ में कि सर हमें हमारा करियर बनाना है तो अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो यूएस टेक्सन एक बहुत अच्छा प्रोफेशन और जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस हैं लाइक सीपीए एसी यूएससीए में डिप्लोमा कहीं भी कोई सा भी कोर्स आप कंपेयर कर लीजिए इन एजेंट के सामने आसान होगा मतलब अगर मैं सीपीए और ईए को कंपेयर करूं तो अगर सौ लोग सीपीए की एग्जाम देंगे और सौ लोग ई ए की एग्जाम देंगे तो नाइन्टी लोग ई की एग्जाम को पास कर लेंगे ये मेरा मानना है सीपी के एग्जाम में हो सकता है कि 50 लोग पास कर पाए वो डिपेंड है स्किल पे लेकिन अगर आप क्योंकि यहां पे स्टिमुलेशन नहीं है यहां पे लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं है यहां से प्रोविजन को अंडरस्टैंड करना और एप्लीकेशन करना तो अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी है आप रेगुलर स्टडी कर सकते हैं रेगुलर स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट हीरोइक्स करने की जरूरत नहीं है कि एक दिन पूरा आठ घंटे पढ़ दिया फिर एक हफ्ते बुक को टच नहीं किया तो रेगुलर स्टडी सही स्टडी प्लान मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं आप डेफिनेटली इन एजेंट को पास कर पाएंगे तो मैं कंक्लूजन के वे में यही कहूंगा कि ए इज मच देन अदर प्रोफेशनल कोर्सेस अब यहां पे मैंने एक लिखा नाइंटी परसेंट और टू परसेंट तो नाइंटी परसेंट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन इंटरप्रिटेशन और टू परसेंट क्रैमिंग मतलब दो एक परसेंट आपको याद रखना पड़ सकता है जैसे वेरियस फॉर्म होते हैं टेन फोर्टी है टेन सिक्सटी फाइव है कुछ एक सेक्शन जैसे वन नाइनटी नाइन क्यूबीआईडी का सेक्शन तो एक आद दो परसेंट आपको हो सकता है याद रखना पड़े बाकी 90 परसेंट नाइनटी टू 95 फाइव परसेंट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन तो आपको याद नहीं रखना बहुत ज्यादा नंबर क्रंचिंग भी नहीं है। एप्लीकेशन है थ्योरी तो इफ यू लाइक थ्योरी, अगर आपको थ्योरी पसंद है और थ्योरी को याद नहीं करना थ्योरी सुनी और उसके बेसिस पे आपको एमसीक्यू दिए केस स्टडीज दी और आपने उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को चूज करना है तो ये एग्जाम आप पास कर लेंगे सर अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है तो भी बहुत आसानी से पास कर लेंगे क्योंकि अकाउंटिंग में कोई जनरल एंट्री नहीं है यहाँ पे कोई बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड हो साइंस बैकग्राउंड हो आर्ट बैकग्राउंड हो बस डीसेंट इंग्लिश आपकी है कि प्रोविजन को आप पढ़कर अंडरस्टैंड कर सकते हो बेस्ट पार्ट हमारी क्लासेस की अपनी ओन लैंग्वेज में तो प्रोविजन हमने आपको समझा देना है अब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको इसको इंटरप्रिटेट करना और एप्लीकेशन का इट्स ए गुड प्रोफेशन एस कंपेरिटिवली अदर प्रोफेशन तो अगर आपके मन में थोड़ा सा डर है कि सर हम इस हम दूसरे प्रोफेशन को करें वहां पे तो मैं सच कहूं अगर आप इजिएस्ट पार्ट देखना चाहते हैं सीपीए और ई एम ए तो ई ए बहुत आसान है सीपीए और यूएस सॉरी यूएस सी एम ए और ई एम ए ये आसान है आई एफ आर एस और ई एम ए ये आसान है तो ई एज रियली नॉट डिफिकल्ट और मेरा आपको प्रॉमिस गिव मी योर एट टू नाइन मंथ अकॉर्डिंग टू मी मेरे मॉक टेस्ट आपने देना है हमारी फंडामेंटल क्लासेस आपने अटेंड करना है और तीन मॉडल टेस्ट में आपसे सॉल्व कराऊंगा तीन मॉडल टेस्ट पेपर बिफोर दी एग्जाम वो तीनों मॉडल टेस्ट पेपर में आप पास हुई है, उसके बाद अपनी एग्जाम को बुक कीजिए मैं आपको पीस ऑफ पेपर पर लिख के दे सकता हूं कि हमारे तीन मॉडल टेस्ट पेपर को पढ़ने के बाद आप किसी भी कंडीशन में फेल नहीं होंगे आपको वो तीनों मॉडल टेस्ट पेपर को क्या करना है अटेंड तो इस वीडियो में फिर इतना ही फिर कभी आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिल सके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस